قبل كان يركبون اتيت में चाइल्ड जॉकी हुआ करते थे, लेकिन फिर ये रोबोट आए। यह मशीन ऊंट को छड़ी से मारती है या ऐसे घुमाती है। मशीन रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है और इस तरह से काम करती है। कतर बल्कि पूरे खाड़ी देशों में विरासत माना जाता है। यह कतर के हर नागरिक या खाड़ी के रहने वाले की विरासत के केंद्र में है और इसके चाहने वालों की संख्या लगभग विश्व कप या फुटबॉल प्रशंसकों से अधिक है। ऊंटों की रेस के कई मायने हैं। ये एक ऐसा खेल है जो हमें अपने पिता और अब दादा से विरासत में मिला। अरब प्राचीन काल से ऊंटों के साथ रेस लगाते थे, क्योंकि वे इन रेस के आयोजनों के पहले से इनकी सवारी कर रहे थे। मैं ऊँट रखने वालों में से हूँ, इसलिए मेरे पास कई ऊँट हैं, इसलिए मैं हमेशा रेस में भाग लेता हूँ। कभी कभी मैं शानदार पोजीशन हासिल करता हूँ और कभी कभी मैं जीत भी जाता हूँ।